हे गाइज, मैं हूँ सलमान शाह और मेरी यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लोरर्स में आपका स्वागत है। गाइज, आज के स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फोन से वोटर आईडी कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए पहले आपको प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन करके एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। अगर आपने पहले से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है तो आप उसको अनइंस्टॉल करके न्यू वर्जन वाला डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद सिंपल सा इसको ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। गाइज, इस एप्लीकेशन में लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके पहले आप अकाउंट बना देंगे। और अगर आपने अकाउंट बना दिया है तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड टाइप करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। गाइज, जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जो कि आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। ओटीपी यहाँ पर टाइप करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको डाउनलोड एपीके का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। गाइज, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड का नंबर है तो आप यहाँ पर यस आई हैव अ एपीके नंबर, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्लीज एंटर योर एपीके नंबर, उसमें आपको अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट कर देंगे, आपका जो भी स्टेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद फेच डिटेल पर क्लिक कर देंगे। गाइज, जैसे ही आप फेच डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। सिंपल सा आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके वोटर आईडी कार्ड के अंदर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया होगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर टाइप करके वेरीफाई डाउनलोड एपीके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई एपीके डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड हो चुका है। गाइज, अगर आपके वोटर आईडी कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर कैसे लिंक करोगे उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं इस तरह की न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।